हेलो हेलो अंजू। हेलो डैडी। सुन, बात यह है कि मैंने तुझे इसलिए फोन किया कि एक लड़के के हाथ तेरे लिए कुछ गर्म कपड़े भेज रहा हूँ। किस लड़के के हाथ? वो जो शारदा जी है ना। शारदा जी? हाँ, वो अपनी सोशल वर्कर। हाँ, उन्हीं का छोटा भाई अनु 5-6 साल बाद इंग्लैंड से लौट रहा है। लड़का बड़ा अच्छा है, तेरी मम्मी को भी पसंद है। लेकिन डैडी, इतनी जल्दी क्या है? अनु से मिलने के बाद जब तू ओके करेगी तभी बात आगे बढ़ेगी। ओके ओके डैडी, गुड नाइट। गुड नाइट। शारदा, मैंने अंजू से कह दिया है अनूप उसके लिए गर्म कपड़े ले आ रहा है। ठीक है, तो मैं कल ही शिमला चले जाता हूँ। शुभ काम में देरी किस बात की? तुम एक काम करो, अंजू से मिल लो, उसे देख लो, और अंजू भी तुम्हें देख ले, ताकि बात आगे बढ़ाई जाए। और मुझे यकीन है कि जिस लड़की को मैंने पसंद किया है उसे मेरा भाई जरूर पसंद करेगा। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? श्योर श्योर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। देखिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। आप थोड़ी देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं? जी। असल में मैंने उन लोगों से झूठ कहा है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। तो ये बात है, गर्लफ्रेंड हमेशा बॉयफ्रेंड के करीब बैठती है। ऐसे ये हुई ना बात। क्या नाम है आपका? रूपा। What a lovely name. आप तो हैं, नाम भी खूबसूरत है। वैसे मुझे अनूप कहते हैं। जी। बताइए, आपका बॉयफ्रेंड कौन है? जी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। What? इतनी खूबसूरत लड़की और कोई बॉयफ्रेंड नहीं? What a shame. इसलिए तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने उनका मुंह बंद करने के लिए ये ड्रामा कर लिया। ठीक है, आज से तुम्हें यह ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? तुम्हें एक बॉयफ्रेंड मिल गया। तू वापस आ गई? यू ब्लडी फूल। अच्छू, क्या किया है मैंने? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या नहीं बिगाड़ा, तूने मेरे अनूप को मुझसे छीन लिया है। अनूप को? हाँ, जिसे तू अपना प्रिंस समझती है उसे मेरे पिताजी ने यहां भेजा था मुझे देखने के लिए। उस रात जब ओबरॉय होटल में मैंने तुझे उसके साथ देखा था, तब मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पिताजी मेरी शादी उसके साथ करना चाहते हैं। आप मेरे पीछे पीछे क्यों आते? मैंने कहा था ना, फिर मिलूंगा। दिल को कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश की, मगर मानता ही नहीं था। कसम खुदा की रात भर नहीं सोया हूँ। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आपकी वजह से मेरा और अंजू का झगड़ा हो गया, पता है? अंजू? जी हाँ, अंजू। और आपके कारण मुझे एक थप्पड़ भी खाना पड़ा। क्यों? क्यों? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्योंकि आप उसे देखने आए हैं, वो आपकी मंगेतर होने वाली है। थी, मैं उसे देखने आया था, लेकिन उससे पहले तुम मुझे भाभी, मेरा यकीन करो, अगर तुम मुझे नहीं भी मिलती तो मैं अंजू से शादी कभी नहीं करता, क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं, नोचू नहीं। देखिए, मैं इस बहस में पड़ना नहीं चाहती, लेकिन आइंदा से मेहरबानी करके आप मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। रूपा, रूपा सुनो, रूपा। ओए पहले हर महबूबा जाने जा बनती है, फिर आशिक के बच्चों की माँ बनती है। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तू मुझसे रूठ गई? अब जाओ यहाँ से, जाने प्लीज। पर क्यों, क्यों? आज रूपा का रिश्ता पक्का होने वाला है, वो लोग आते ही होंगे। अच्छा, ये बात है? हाँ। किसको फांसा तेरी बेटी ने? जरूर कोई मालदार आसामी होगी। आइए 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 आइए, अंदर आइए ना। रूपा, मुबारक हो, शादी में बुलाना मत भूलना। कौन है ये आदमी? जी वो है कोई पड़ोस का शराबी। शराबी? आप कहते हो शर्म आती है? जॉनी, क्यों फंसा हो? मगर मैं तो माँ बेटी भूल गए मेरे आसानों को, न जाने किसका पाप अपने पेट में लेकर आई थी। वो तो यही जॉनी था जिसने तुम जैसी बदचलन औरत को सहारा दिया और तुमसे शादी की, और आज ये मुझे शराबी कहती है। देवी जी, आप शक्लो सूरज से किसी भले घर की मालूम होती है। मेरा एहसान मानिए कि मैंने आपको कीचड़ में गिरने से बचा लिया।
रूपा। दीदी हिम्मत से काम, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी। दीदी देखो इस वक्त ये सिर्फ 5,000 रुपए हैं, इन्हें कबूल कर लो और इसके बाद जितने भी पैसों की जरूरत होगी वो मैं दे दूंगी। दीदी आप कैसे उनका बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? तुम चाहो तो इस वक्त चुका सकती हो। कैसे? तुम अनूप को हमेशा के लिए भूल जाओ। दीदी मैं तो तुम्हारे घर शादी तय करने के लिए आई थी, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना उसके बाद मैं तुम्हें बहू हरगिज नहीं बना सकती। कैसी तबीयत है माँ जी? बेटा तुम यहाँ कैसे? दीदी से मुझे सब कुछ मालूम हुआ और मैं फौरन यहाँ चला है आपको यकीन दिलाने के लिए कि मैं दीदी की मर्जी के खिलाफ भी रूपा से शादी करूंगा। देख देख मैं रूपा का हाथ तेरे हाथ में दे रही हूँ, अब तेरे सिवा इसका और कोई नहीं। बेटी माँ बेटी दीदी का घर तो मैं हमेशा के लिए छोड़ा हूँ, अब हमें अपना ही घर बसाना है। कुछ ही दिनों की बात है फिर मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, घर भी मिल जाएगा और मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। लेकिन तब तक तुम कहाँ रहोगे, क्या करोगे? मेरी फिक्र तुम मत करो, प्रभु ने मेरे लिए एक नौकरी का इंतजाम कर दिया है। अब मालिक वहाँ काम करेंगे जहाँ पहले मैं काम किया करता था, इसे कहते हैं असली सोशलिज्म। तू चल भाई। There are no chances. पैर की हड्डी बुरी तरह से क्रश हो गई है, गैंग्रीन होने का डर है। जान बचाने के लिए पैर एम्पुटेट करना जरूरी है। What a tragedy! इतनी कम उम्र में पेशेंट हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगी। फादर एंजेलो आपने रोजी के जीते जी मुझे खबर करने की है। रोजी कितनी नेक औरत थी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो आखिरी दम तक आपको सच्चे दिल से चाहती रही। तो फिर रोजी ने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? इंग्लैंड से लौटने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा कि रोजी ने किसी से शादी कर ली। तब तो रोजी की जिंदगी बर्बाद करने के जिम्मेदार आपके माँ बाप हैं। यानी उन्होंने रोजी को आपसे दूर किया। मैं समझा नहीं फादर। आपके विलायत जाने के बाद रोजी आपके माँ बाप से मिली और उन्होंने रोजी को बताया कि आपने विलायत में शादी कर ली। ऐसा कहा उन्होंने? और वो उस वक्त आपके बच्चे की मां बनने वाली थी। क्या? मजबूर होकर उसने जाने से शादी कर ली, सिर्फ नाम की शादी, बदनामी से बचने के लिए। रूपा के पैदा होने के बाद उसने जाने से तलाक ले लिया। रूपा रोजी के बेटे, यानी मेरी बेटी। फादर वो जानते कि मैं उसका बाप हूं? नहीं वो जानना भी नहीं चाहती। वो कहती है कि जिसकी वजह से उसकी मां को सारी जिंदगी दुख उठाने पड़े उस आदमी की सूरत भी नहीं देखना चाहती। वो ठीक कहती है फादर, लेकिन फिर भी मैं उससे मिलना चाहता हूं। कहां है वो? वो हॉस्पिटल में है। ओह वेरी बैड केस, इंपैक्टेड फ्रैक्चर। वो तो ऑपरेशन करते वक्त पता चलेगा कि मसल्स डैमेज हुआ है नहीं। डॉक्टर एम्पुटेशन करने से पहले एक चांस जरूर लीजिए। पिछले महीने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक ऐसा ही केस पब्लिश हुआ था, सर्जन ने चांस लिया, ऑपरेशन किया और पेशेंट को एम्पुटेशन से बचा लिया। वो तो मैंने पढ़ा सर, लेकिन ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो कि आप जैसे ही कॉम्पिटेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन कर सकते हैं। आपको इतराज ना तो मैं आपको असिस्ट करता हूँ। असिस्ट करने की कौन सी बात है सर, आप इसका चार्ज ले लीजिए, आई विल बी ऑनर्ड। और मैं अपने दूसरे स्टूडेंट्स को बुला लूंगा और वो भी ये देखेंगे आप ऑपरेशन कैसे करते हैं। जिंदगी में तुमने बड़े पाप किए, तुम्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। अगर मैं चाहूं
तो तुम्हें जेल भी भिजवा सकती हूँ। लेकिन अगर एक मेरा छोटा सा काम कर दो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। बोलो बेटी, हुक्म करो। अनुप का खत आया है, वो आज मुझसे मिलने आ रहा है। वो मेरे एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मैं उसे कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं फाइज बनकर उसकी जिंदगी पर बोझ बनना नहीं चाहती। इसलिए ऑपरेशन से पहले मुझे घर ले चलो। बस इतनी सी बात है? सिर्फ इतना ही नहीं जोनी, मैं चाहती हूँ अनुप को मुझसे हमेशा के लिए नफरत हो जाए। ये भी हो जाएगा, लेकिन इस काम के लिए उस कमीने रवि की मदद लेनी पड़ेगी। रूपा, 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 मुझे जिंदगी में दो चीजें बहुत पसंद हैं, सेब और अंगूर। तुम्हारे गालों और होठों में मुझे दोनों का मजा मिल जाता है। आज तुमने मेरी आंखों की तारीफ नहीं की? तुम्हारी आंखें उस नागिन की तरह हैं जिसकी काटे का कोई इलाज नहीं। उठ। Shut up! ये सब जो मैंने देखा इसका क्या मतलब है? तुम तो ऐसे आंखें दिखा रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बीवी हूं। रवि, इन्हें मतलब समझा दो। कमाल है इसमें समझाने की क्या बात है, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करने वाले हैं। क्या? सुनो बेटी, तुम्हें बेटी कहूं? बेटी, हर इलाज के कामयाबी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, डॉक्टर स्किल एंड पेशेंट्स विल। तुम्हें पूरे यकीन के साथ ख्वाहिश करनी चाहिए कि तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। करोगी ना? गुड। तुम भगवान को मानती हो? तो आंखें बंद करके प्रार्थना करो कि आज भगवान इन हाथों में आ जाए और तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब हो जाए। करो। कर रही हो प्रार्थना? लेट्स गो। अरे ये क्या कर रही है? क्या पागलपन? उठो, ऐसा क्यों कर रही हो? लोग तो देवी देवताओं के चरण छूते हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप ही देवता है। ये क्या कर रही हो तुम? आपने मेरा पैर ठीक करके मुझे नई जिंदगी दी है डॉक्टर साहब। पता नहीं इस जन्म में आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगी। तुम चाहो तो इसे वक्त चुका सकती हो। कैसे? मेरी बेटी बनकर। बनोगे ना मेरी बेटी? डॉक्टर साहब ने डैडी कहो। डैडी, डैडी, डैडी। हेलो। अरे तेरी बड़ी लंबी उम्र है, मैं तेरा ही जिक्र कर रहा था। ये मेरे पेशेंट हैं। अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ डैडी, हम दोनों क्लासमेट थे। अरे तब तो बहुत ही अच्छा हुआ, खुद तुम अपनी सगाई के लिए इनवाइट करो। डॉक्टर साहब आपका टेलीफोन। तुम डैडी के हॉस्पिटल में कैसे? क्या बीमारी है तुम्हें? मेरे पैर का एक्सीडेंट हो गया था अंजू, तुम्हारे डैडी ने ऑपरेशन करके मुझे ठीक किया। वाकई वो देवता समान है। डैडी ने तुम्हें बताया कि मेरी सगाई किसके साथ हो रही है? नहीं, अनुप के साथ। अनुप के साथ? हाँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? गुड इवनिंग बहन जी। गुड इवनिंग। सुना आज आपके भाई की सगाई हो गई है, सोचा आपको मुबारकबाद दे आऊं। जरा सोचिए, अगर मैं ना होता तो आपके भाई की सगाई आपकी मर्जी के मुताबिक होने का कोई चांस था? मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा पैसे दे चुकी हूँ। आपका ख्याल है बहन जी, मुझे आपसे 1,000 रुपये और चाहिए आइंदा मेरे यहाँ ना आने की कीमत। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? जी नहीं, मैं तो आपसे सीधी तरह मांग रहा हूँ। अगर ब्लैकमेल करना पड़ा तो आपके भाई को करूंगा, जिसको अभी तक ये भी मालूम नहीं कि रूपा उसकी जिंदगी से कैसे निकल गई। रूपा के बारे में तुम क्या जानते हो? जॉनी, तुम यहाँ से भाग जाओ प्लीज। ठहरो। बोल वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बता रूपा के बारे में तुम क्या जानता है? मैं बताता हूँ, मेरा नाम जॉनी है, मैं रूपा का सौतेला बाप हूँ। तुम्हारी बहन ने मुझे पैसे दिए थे
ताकि रूपा तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। क्या बात है बेटा? जी मैं अंजू से शादी नहीं कर सकता। ये तुम क्या करो बेटे, आज ही तो अंजू के साथ तुम्हारी सगाई हुई। मुझे अफसोस है लेकिन मैं मजबूर हूँ डॉक्टर साहब। बेटा क्या वजह है, कौन सी मजबूरी है तुम अंजू से शादी नहीं कर सकते? जी मैं किसी और को चाहता हूँ। कौन है वो लड़की? रूपा। रूपा, सबसे पहले मैं आप लोगों से अनूप की बदतमीजी की माफी चाहती हूँ। दीदी चुप हो जाओ, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ ये रिश्ता टूट नहीं सकता है और वो शादी हो नहीं सकती। अगर तुमने रूपा से शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुनो शारदा, तुम जो चाहो कर सकती हो लेकिन अनूप की शादी रूपा से होगी और कन्यादान मैं करूंगा। शारदा ने रूपा को गाली देकर उसका अपमान किया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका इसलिए सच कहने पर मजबूर हो गया कि रूपा मेरी बेटी है। रूपा मेरी बेटी है, ये बात मुझे कुछ ही दिन पहले मालूम हुई। मैं जानता हूं मां, ये सब कहकर मैंने तुम्हें सदमा पहुंचाया, मुझे माफ कर देना। रूपा तुम यहां कब से हो? मैंने सब कुछ सुन लिया है। आज क्या करेंगे?